हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी को सुमन की ब्लॉग चैनल पे। तो दोस्तों, आज फाइनली हम लोग एक बाइक राइड पे निकलने वाले हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं मुरल डैम। तो चले दोस्तों, चलते हैं। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। तो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है लगभग 5:30 बजे। तो अभी हम लोग हमारे गांव से लगभग अराउंड 8 या 9 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मुरल डैम, जो कि आपको भी मैं दिखाऊंगा आगे का रास्ता कैसा रहता है। तो दोस्तों, ये कुछ लोकेशन, इस टाइप के लोकेशन पे अभी हम लोग रुके हैं। तो चले दोस्तों, अभी हम लोग चलते हैं और आगे भी बहुत मज़ा करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही सुंदर लोकेशन पे अभी हम लोग जा रहे हैं। यहीं से आप लोग सनसेट देख सकते हो, बहुत सुंदर लग रहा है यहीं से। तो चलिए आगे चलते हैं और ये जर्नी का मज़ा उठाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग एक टी ब्रेक पे रुके हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों, हमें जर्नी करते समय चाय पीना बहुत ही पसंद है। तो इसलिए हम लोग बीच बीच में रुक के हम लोग थोड़ा सा चाय वगैरह पी लेते हैं। और ये एक गांव पे रुके हैं दोस्तों। क्या गांव है ये, पास में ये बहुत सुंदर लोकेशन पे ये गांव है। ये एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो चलिए, मेरा बाइक वहाँ रुका है और ये सोना जो फ़ोन पे बिजी है अभी। ये गांव हमारे जयपुर से लगभग 1 आदमी हमें पूछ रहा है कि आप लोग फ़ोन किए थे, ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना यहाँ, इसलिए सभी पूछते हैं कि काम वगैरह पे आए हैं। नहीं, हम लोग तो यूट्यूबर है भाई साहब, हम लोग तो यहाँ घूमते रहते हैं और हमारा काम ये है कि ब्लॉगिंग करना जहाँ तहाँ रुक के। तो चलिए, ये जयपुर से अराउंड दोस्तों, ये एक छोटा सा गाँव है। जयपुर से अराउंड लगभग 22-25 किलोमीटर के आसपास है। तो बहुत ही सुंदर लोकेशन पर ये, मतलब चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, इसलिए हमें ये गांव भी बहुत पसंद हुआ। तो दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ थोड़ा सा घूम रहे हैं। तो कैसा कुछ रहता है यहाँ का माहौल को थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। तो मेरा दोस्त वगैरह भी सभी आ रहे हैं ना ज्वाइन करने के, हमारे साथ, मतलब जाएंगे घूमने के लिए, इसलिए आ रहे हैं वो लोग। तो हम लोग भी थोड़ा सा वेट किए हैं उन लोगों को, कितने देर तक आते हैं हमें तो पता नहीं। पास में ये बोल रहे थे, फ़ोन वगैरह किए थे अभी। तो चलिए देखते हैं कितना देर में आते हैं वो लोग। तो उन लोगों को थोड़ा सा, मतलब वेटिंग तो करना पड़ेगा ना, उन लोग आ रहे हैं बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा। सो चलिए, हम लोग तो वेट करके बैठे हैं यहाँ, कितने देर में आते हैं वो लोग उनको ही पता शायद से। क्या बोलता है, अब तक मतलब थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, 10-5 मिनट शायद से लगेगा। पास में ही बोल रहे थे, पास में ही है वो लोग। सो चलिए दोस्तों, कितना देर में आते हैं आप लोगों को भी अपडेट देते रहेंगे। तो दोस्तों, टाइम तो बहुत हो गया है अभी, तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो रहा है अभी। तो कितने देर में अंधेरा हो जाएगा और मैं मोटो ब्लॉगिंग आपको शायद से मैं नहीं दिखा पाऊँगा। मैं आपको सुबह का भी दिखाऊँगा और रात में जो भी हम लोग, मतलब मेरे फ्रेंड लोग मिलके जो भी एंजॉय कर रहे हैं, आप सभी को मैं शेयर करूँगा। सो देखते हैं अभी कितने देर तक मैं आपको मोटो ब्लॉगिंग, मतलब करके दिखा पाऊँगा। सो देखते हैं, टाइम भी तो ज़्यादा हो गया है दोस्तों, 6:30 बज चुका है अभी, शाम थोड़ा थोड़ा रात भी हो रहा है अभी। तो देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है लगभग 7:30 बजे करीब। तो मेरे फ्रेंड लोग सभी ज्वाइन कर चुके हैं अभी, मेरा एक दो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हो दोस्तों। थोड़ा सा अंधेरा हो गया इसलिए थोड़ा सा विजुअल की कमी होगी।
तो चलिए, आप लोगों को मैं तो मोटो ब्लॉगिंग तो आपको नहीं दिखा सकता, फिर भी मैं आपको कोशिश करूँगा कि थोड़ी देर आपको दिखाऊँ। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच के टेंट वगैरह सब फिट कर दिए हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। टाइम हो रहा है लगभग 5 बज रहा है अभी, एकदम सुबह सुबह के टाइम है। तो आप लोगों को भी मैं दिखा देता हूँ मेरा लोकेशन, जो हमारा रात का जो हम कैंपिंग करके रुके थे, तो आप लोग देख सकते हो हमारे कोरापुट डिस्ट्रिक्ट का मिनी बीच हम लोग कहते हैं इसे। सो बहुत ही सुंदर जगह है दोस्तों, आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। ये मुरान डैम देख सकते हो, बहुत सुंदर जगह है, मस्त ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है अभी। हमें तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग मैं तो मतलब रात के लगभग 2-3 बजे के करीब सोया था, और मुझे बहुत मज़ा आया रात भर यहाँ किनारे बैठ के। सो मैं आप लोगों को ये लोकेशन भी दिखा देता हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आएगा शायद से। तो ये रहा दोस्तों हमारा कैंपिंग करने का लोकेशन। तो ये रहा हमारा सब टेंट वगैरह सब लगा हुआ है, और ये रहा मेरा बाइक। तो इसी लोकेशन पे हम लोग रात भर बिताए थे दोस्तों, बहुत ही सुंदर लोकेशन है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के अंदर आओगे तो मुरान डैम ज़रूर से घूमने आइएगा। सो यही था दोस्तों आज का ये वीडियो। अगर आप सभी को वीडियो पसंद हुआ तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा।